नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, और कंप्यूटर फंडामेंटल के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस तो स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तब इसको लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूले दोस्तों। उन लोग भी कंप्यूटर सीख सके, वो भी फ्री में, वो भी घर बैठे और बिना पैसा खर्च किए। तो स्टोरेज डिवाइस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस का मतलब होते क्या है, आप रखने की जगह, यानी कि रखने की जगह को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। रखने की जगह को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, कि आप स्टोर कहाँ करना चाहते हैं, रखना कहाँ चाहते हैं आपको, ठीक ना। जैसे आप बहुत सा आप बैग बुक कहीं रखते होंगे, जैसे कोई अटैची में, कोई बॉक्स में, कोई बक्सा में। तो उसी प्रकार से स्टोरेज डिवाइस क्या करता है कि आप कोई भी कंप्यूटर का डाटा कहाँ सेव करना चाहते हैं, यानी कि पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, सीडी में, उसी को बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। उसमें दो तरह के होते हैं, पहला आ गया प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस को दो भाग में बांट दिया गया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी है क्या चीज़। तो कहा क्या रहा है कि प्राइमरी इज ए डिवाइस डैट होल्ड्स डाटा परमानेंटली एंड टेम्पररी इज कॉल्ड मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो क्या, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, एक प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो डाटा को टेम्पररी सेव करके रखता है। और टेम्पररी क्या होती है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ मेमोरी, टू टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि प्राइमरी जो मेमोरी होती है थोड़ी देर के सेव करके रखती है, और सेकेंडरी जो मेमोरी होती है तो वो हमेशा के लिए सेव कर देती है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है एक टेम्पररी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी मतलब होता है कि आप जैसे टेम्पररी मेमोरी क्या होती है कि थोड़ी देर के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो किससे दिखाई देगा हम आगे समझते हैं। क्या कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी कुछ क्या कह रहा है कि इट होल्ड्स डाटा टेम्पररी इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, एग्जाम्पल रैम और रोम। कहने का मतलब है दोस्तों कि प्राइमरी मेमोरी रैम की सहायता से थोड़ी देर स्क्रीन पर वो रुका हुआ रहता है, यानी कि जैसे आप टाइप करते हैं, देखते हैं तो रैम की सहायता से उसको देख पाते हैं, ठीक ना। लेकिन जैसे आप सेव करते हैं तो वो आपको सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, यानी कि रैम को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड और उसके बाद बोलते हैं रोम को वो बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक ना। ये जो दोनों रैम में ही पाया जाता है, तो कहने का मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी का हम लोग क्या समझे, प्राइमरी मेमोरी की सहायता से हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक ना, ओपन कर सकते हैं कोई फाइल को, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। इसमें कोई डाटा को रख नहीं सकते हैं, थोड़ी देर जो भी आपको टाइप करते हैं तो रैम की सहायता से वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, और जैसे आप उसको सेव कर दीजिएगा तो आपको सेकेंडरी मेमोरी में वो आपको चला जाएगा। समझ गए होंगे प्राइमरी मेमोरी को मत होता है रीड करना, ओपन करना, ठीक ना, इसकी प्राइमरी मेमोरी में होता है। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी के मदद से हम कोई भी चीज़ ओपन कर लिए, देख रहे हैं, ठीक ना, और जैसे आप सेव कीजिएगा तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, परमानेंटली सेव करता है, और ये प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्पररी मेमोरी में काम हुआ। तो प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंटली सेव करती है। तो क्या कह रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज इज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, ठीक ना। सम कॉमन स्टोरेज डिवाइस आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में भी रखने का बहुत सा जगह होती है, बहुत सा डिवाइस होती है। कौन कौन सा होती है, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका कैपेसिटी क्या, इसका कैपेसिटी यानी कि हार्ड डिस्क कितना से शुरू हुआ, कितना GB से शुरू हुआ।
तो 10 GB मतलब गीगाबाइट होता है, जी बी मतलब गीगाबाइट होगा। उसके बाद 20 GB, 40 GB, 80 GB, 160 GB से करके आपको 1000 TB यानी कि 1000 TB को बोलते हैं टेराबाइट, और जीबी को बोलते हैं गीगाबाइट। तो हार्ड डिस्क में 1000 GB तक अभी मार्केट में अवेलेबल है, इससे भी ज़्यादा आ गया है, 2 TB, 4 TB आ गया है, लॉन्च हो चुका है। यानी कि इतना डाटा ये सेकेंडरी मेमोरी का एक डिवाइस है। आप किस में सेव करना चाहते हैं हार्ड डिस्क में, कि अब अगला आते हैं सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आप इसमें सेव करना चाहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी में, तो इसमें खासियत क्या है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी मात्र 700 MB है यानी कि मेगाबाइट, तो कम स्टोरेज करती है। उसके बाद आते हैं डीवीडी रोम। डीवीडी रोम को हमको पूरा नाम बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी इसका हो गया 4.7 GB यानी कि 4.7 GB, लेकिन इससे यह ज़्यादा है। उसके बाद FDD मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसका कैपेसिटी 1.44 MB, ये बहुत कम है, अब ये बंद हो गया, 25 साल पहले ये चलता था। उसका पेन ड्राइव, यानी कि पेन ड्राइव इस तरह से होता है, आप देखे भी होंगे, पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस इट यूज टू ट्रांसफर डाटा वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए पेन ड्राइव को यूज किया जाता है ईजिली, ठीक ना। और ये थोड़ा सा मुश्किल से आपको यूज होता है, इसमें आपको सीडी को राइट करना पड़ता है, और ये थोड़ा सा ईजिली यूज हो जाता है। उसके बाद मेमोरी कार्ड, इट इज अ स्टोर डिवाइस इट यूज इन फोन मोबाइल फोन, मतलब मोबाइल में यूज होता है मेमोरी, ये भी डाटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं ये पूछूंगा कि स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सा आता है, तो आप ही बता देगा कि आप आता है मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, FDD, DVD, CD और HDD। तो ये सब क्या करता है, सेव करता है, परमानेंटली सेव करता है, ठीक ना। तो आपकी इच्छा अनुसार अगर CD में आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, इसमें 700 MB है। अगर आप DVD में सेव करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कितना आपका डाटा सेव करना है, इसमें 4.7 GB है। FDD को तो बंद हो जाएगा। पेन ड्राइव में आप सेव करना चाहते हैं, इसमें भी 32 GB, 60 GB तक आ चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सेव होती है डाटा इसमें, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा जगह रखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया, सेकेंडरी मेमोरी मतलब परमानेंटली सेव होती है, और उसके बाद प्राइमरी मेमोरी जो टेम्पोररी सेव करती है, जब तक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टाइप कर, उसी के समय उसको जब क्लोज कर दीजिएगा तो आपको क्लोज हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों, और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।